पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? रोज शाम 6 बजे हम मिलेंगे आपके साथ लेकर पर्दे के पीछे। नमस्कार, डिजिटल खबरी लाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे देश के 7 राज्यों में हुए 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की। यूं तो ये कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं था, लेकिन इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। पहला, इन 13 सीटों में इंडिया गठबंधन के में शामिल दलों को 10 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट पे निर्दलीय विजयी रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में का मुख्य विपक्षी दल भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, यानी 13 में उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने 4-4 सीटों पर परचम फहराया है। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके 1-1 सीट पर विजयी रही है, यानी 10 सीटें इस तरफ हैं और 2 उधर हैं। ऐसे में इसे लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यहां तक कहा है कि बीजेपी का फैलाया हुआ भय और भ्रम जाल खत्म हो गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि अब यह सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और इनके द्वारा की गई सारी गतिविधियां फेल हो गई हैं। एजेंसी से लेकर तमाम चीजों को लगाने के बावजूद अब इनके दिन गिने चुने हैं। ऐसे में यह देखना बड़ा लाजमी होगा कि क्या वाकई स्थिति बदली है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि स्थिति बदली है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव से यदि तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं 425 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 370 सीट जीतने का दावा की थी, लेकिन उसके खाते में आई सिर्फ 240 सीटें, यानी वो बहुमत से 32-33 सीटें दूर रह गई। वहीं उसने यह भी नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, यानी उसने एनडीए के पक्ष में नारा दिया था, लेकिन यह भी 300 पूरा नहीं कर सका। लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 425 लोकसभा सीटों पर जो बीजेपी खड़ी हुई थी उसमें 24% ऐसे लोग थे जो बाहर से आए हुए लोग थे, यानी 1/4 लोग, यानी हर 4 सीट पर 1 सीट किसी बाहरी व्यक्ति को मिला था। ठीक वही स्थिति कमोबेश इस 13 विधानसभा सीटों पर भी देखने को मिली। आश्चर्य तो इस बात का है कि जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल विपक्ष के पक्ष में आया है, यह कह सकते हैं। दरअसल अगर हम शुरुआत हिमाचल प्रदेश से ही करें जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह प्रदेश है, हालांकि अब वह भी राज्यसभा के सांसद गुजरात से हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कोशिश कर रही थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की सरकार को गिराया जाए। इसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई। कांग्रेस के विधायक और कुछ निर्दलीय विधायकों की मदद से क्रॉस वोटिंग कराया गया, जिसमें नतीजा यह निकला कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। उसके बाद विधायकों के दल बदल को लेकर मामला उठा, विधायकों ने इस्तीफा दिया। उसमें जो 3 निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस 2 सीटों पर विजयी रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि 2022 में जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था 68 सदस्य विधानसभा में, उस वक्त जो कांग्रेस को 40 सीटें आई थी, फिर वो कांग्रेस उसी संख्या पर पहुंच गई है, यानी अब कांग्रेस के 40 विधायक हैं। यानी वहां जो ऑपरेशन लोटस चल रहा था वो पूरी तरह फेल हो गया है। ममता बनर्जी ने खास करके भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका दिया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यहां 3 विधायक हुआ करते थे पश्चिम बंगाल में, और 4 सीटों पर चुनाव हुआ और 4 सीट ममता बनर्जी जीती हैं। ये सिर्फ सीटें यूं ही नहीं जीत गई हैं, अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट है। ।2021 के विधानसभा चुनाव में रायगंज से बीजेपी के कृष्ण कल्याणी 20,748 मतों से चुनाव जीते थे। वही कृष्ण कल्याणी जब रायगंज से ही तृणमूल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो 50,077 वोट से जीत रहे हैं, यानी यह मार्जिन 2.5 गुना बढ़ जाता है। और यहां गौर करना जरूरी है कि जब पिछले लोकसभा चुनाव में यहां करीब 50,000 वोट से
यही कृष्ण कल्याणी पीछे थे। अब हम अगली सीट राणाघाट दक्षिण पे चलते हैं, जहां तृणमूल के मुकुटमणि अधिकारी विजयी रहे हैं 39,048 वोट से। यदि हम इनके 2021 के चुनाव को देखें तो बीजेपी के टिकट पर यह करीब 16,000 वोटों से जीते थे, यानी यहां भी दोगुना का अंतर है। ठीक वही हाल बागदा का भी है। बागदा में बिश्वजीत दास बीजेपी के टिकट पर जहां 9,000 कुछ वोटों से जीते थे, वहां इस दफे बागदा में तृणमूल कांग्रेस 33,000 वोटों से जीती है, यानी करीब करीब चार गुना कह सकते हैं। यह एक बहुत मजेदार चीज है। बागदा में इस बार टीएमसी ने केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर की भतीजी और टीएमसी की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर की बेटी मधुपर्णा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया था। चौथी सीट जो है माणिकतल्ला। माणिकतल्ला में साधन पांडे 2021 में 20,000 करीब मतों से जीते थे। इस दफे उनकी पत्नी करीब 62,000 मतों से जीती हैं, यानी यहां भी तीन गुना अंतर है। कह सकते हैं कि न केवल जीत हुई है बल्कि जबरदस्त जीत हुई है और भाजपा के पैर तले की जमीन खिसक गई है। अगर हम अब अन्य राज्यों में चले तो देखेंगे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है, वहीं डीएमके भी तमिलनाडु में अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है। दूसरी तरफ बिहार यदि हम देखें तो बिहार में इंडिया और एनडीए दोनों को जबरदस्त झटका लगा है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने 68,000 मतों से एनडीए के उम्मीदवार को हराया है, जहां पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह पर्दे के पीछे कार्यक्रम को लेकर कल फिर हाजिर होऊंगा शाम 6 बजे।